वेलकम टू माय चैनल देसी कुक। आज की रेसिपी है ग्लास केक, जो हम फ्रूट्स को मिक्स कर बनाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्लास केक कैसे बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से फ्रूट। सबसे पहले अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे एप्पल। जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ आप उस तरीके से कट कर लें तो ईजिली सीड्स निकल जाएंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ये वाले फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं या आपने कोई भी फेवरेट फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं एप्पल के, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे पीसेस बना लिए हैं। फिर अब सेकेंड बारी है स्ट्रॉबेरी की। अब हम स्ट्रॉबेरी कट करेंगे। स्ट्रॉबेरी को हम ज़्यादा छोटा नहीं काटेंगे, हम स्ट्रॉबेरी के हम सिर्फ दो पीस बना लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल लगेगी केक में। आप स्ट्रॉबेरी ज़रूर यूज़ करें। अब हम कट करेंगे कीवी। हम सबसे पहले इसका बारीक से छिलका निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 कीवीज लिए हैं। मैं ये सारे कीवीज केक में इस्तेमाल करूँगी। अगर आप राउंड शेप के कीवीज काट कर डालेंगे तो केक में डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। कीवी का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप भी कीवी ज़रूर यूज़ करें। के बाद इसके स्लाइसेस बना लेंगे राउंड। अगर आप चाहे तो उसे छोटा कर भी डाल सकते हैं, मगर इस तरह से डालेंगे तो केक में बहुत अच्छा डिज़ाइन आएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक ऑरेंज। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 3 ऑरेंजेस। इस तरह से मैंने इसे छीन लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे खजूर। मैंने यहाँ पे लिए हैं सॉफ्ट वाले खजूर। अगर आप चाहें तो कोई भी खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम खजूर की बीन्स निकाल देंगे और खजूर के 2 पीस बना लेंगे। ये थोड़े बड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे। सारे फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे, तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है अगर अगर पाउडर। ये इस तरह से लगता है, ये प्योर वेज है। अगर अगर पाउडर आपको ईजिली बेकरी आइटम स्टोर में मिल जाएगा और अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। सबसे पहले हम मिल्क पैन गरम कर लेंगे। उसमें डाल देंगे 4 कप पानी। फिर अब हम इसमें डाल देंगे अगर अगर पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून अगर अगर पाउडर लिया है। इसको डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। हम इसको घूलने तक पका लेंगे और बीच बीच में मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अगर अगर वाटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है, इसे हम साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है, 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है केक मोल्ड। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अगर अगर वाटर। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा अगर अगर वाटर पहले डाल दिया है। आप पहले अगर अगर वाटर ही डालें। अब यहाँ पे जो हमने कट कर लिए हैं वो फ्रूट्स प्लेस करेंगे। इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे इसमें खजूर। मैंने इस तरह से इसे राउंड बना लिया है। सबसे पहले हम खजूर प्लेस कर लेंगे। फिर हम लगाएंगे स्ट्रॉबेरीज। प्लेस करते टाइम ध्यान दें इसका फेस नीचे साइड आएगा, तो आप वो ध्यान में रखते हुए फ्रूट प्लेस करें। जैसे कि मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से कर लें। अगर आप चाहें तो आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। इस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरीज जमा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्लावर बना है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे कीवीज जो हमने राउंड शेप में कट कर लिए थे। सारे कीवीज मैंने लगा दिए हैं। के बाद में यहाँ पे साइड में लगाऊंगी खजूर। फर्स्ट लेयर फ्रूट्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अगर अगर वाटर। फिर से प्लेस कर देंगे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी। जहां जहां आपको गैप लगे वहां पे स्ट्रॉबेरीज या कोई भी फ्रूट प्लेस कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज कर रही हूँ।
स्ट्रॉबेरी से बहुत ही प्यारा कलर आता है और केक भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर से हम स्ट्रॉबेरी डालने के बाद थोड़ा सा और अगर वाटर डाल देंगे। फिर अब हम डाल देंगे एप्पल। मैं यहाँ पे कीवी पे जमा दूंगी एप्पल्स को। सारे फ्रूट्स प्लेस कर देंगे। फिर डाल देंगे ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, जो भी आपको डालना है आप डाल लें, जैसे कि मैं यहाँ डाल रही हूँ। साइड्स में भी आप सारे फ्रूट्स अच्छे से प्लेस कर दें, उसी का डिजाइन बाहर दिखेगा और उसी से ही केक खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से हम रिपीट कर देंगे और सारा वाटर इसमें डाल देंगे। अगर वाटर डालने के बाद आपको अगर कहीं भी गैप दिखे आप फ्रूट से प्लेस कर दें ताकि केक इवन आए। मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं। फ्रूट्स थोड़े से ऊपर आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। आप रूम टेम्परेचर पे इसे हाफ एन आवर रख दें। आधा घंटा होने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे मिनिमम 6 घंटे के लिए, तभी ये फ्रीज होगा। आप उससे पहले इसे चेक ना करें। 6 घंटे हो चुके हैं, केक कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्रीज हो गया है। थोड़ा सा लूज कर लेंगे ताकि ये निकलने में आसानी हो। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं या टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप एक एक टूथपिक वहां पे साइड्स में लगा लें ताकि केक अपने साइड्स छोड़ दे। इस तरह से लगाने के बाद आपको टूथपिक को 1-2 मिनट रखना है, उसके बाद टूथपिक निकाल लें। फिर अब हम इसे प्लेट में निकाल लें। आप मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लें, ये इजीली निकल जाएगा। आप देख सकते हैं केक कितना अच्छे से सेट हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। ग्लास केक बनकर बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। आप सारे फ्रूट्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे कट कर लेंगे और देख लेंगे कि ये अंदर से कैसे लगता है। अगर आपको हमारी ये अमेजिंग केक वाली रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो देसी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके हमारे हर न्यू रेसिपी की। रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं।